नमस्कार, मैं कल्याणी उसरकर, समय नेशनल टीवी न्यूज में आप सबका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं देश के सभी राज्यों की प्रमुख खबरों पर। जानता राजा प्रतिष्ठान द्वारा बुजुर्गों के लिए मुफ्त व्हीलचेयर व छड़ी वितरण का कार्यक्रम संपन्न। खारपूर्व स्थित वार्ड क्रमांक 95 दीपकवाड़ी में जानता राजा प्रतिष्ठान द्वारा बुजुर्गों एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त व्हीलचेयर और छड़ी वितरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। सैकड़ों लोगों को व्हीलचेयर व छड़ी वितरित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन प्रतिष्ठान के मुंबई अध्यक्ष कन्हैया पटेल ने किया था। प्रतिष्ठान के संस्थापक अध्यक्ष चंद्रकांत फॉमन के नेतृत्व में ऐसे कई कार्यक्रम लगातार किए जा रहे हैं, चाहे वह मुफ्त अनाज वितरण, मेडिकल कैंप, आधार कैंप, स्वच्छता अभियान जैसे कई काम संस्था द्वारा किए जा रहे हैं। बता दें कि कन्हैया पटेल वार्ड क्रमांक 95 से इच्छुक उम्मीदवार भी है। स्वतंत्र रूप से लड़ने की तैयारी भी वे कर चुके हैं। कार्यक्रम में संस्था के सलाहकार एडवोकेट देवाशीष मर्क, समय नेशनल न्यूज के मुख्य संपादक अरुण कुमार गुप्ता, निर्मल नगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, संस्था के पदाधिकारी हेमंत चिंदरकर, संतोष ठाकुर, राकेश चौहान सहित सैकड़ों नागरिक उपस्थित थे। हमारा यही लक्ष्य है कि गरीबों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलना चाहिए। और हमने यहाँ एक हफ्ते पहले से हमने यहाँ पूरा एरिया में हमने पूरा चेक किया किसको जरूरत है। हमें इसमें हमको 6 लोग मिले जिसको बहुत जरूरत थी। और छड़ी हम लोग ने 150 छड़ी का हम लोग का टारगेट था और लोगों को हम लोग ने ज़्यादा से ज़्यादा दिया है। और हमारा यही लक्ष्य रहेगा कि सबको मिलना चाहिए। आगे भी हम लोग का यही काम चलता रहेगा। हम लोग का एक ही टारगेट है कि गरीबों को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सब मिले। मेरा क्या यही प्रयास है कि मैं पिछले 4 महीने से काम कर रहा हूँ और मेरे कुछ पर्सनल मेरे जो 5-6 लड़के लोग हैं जो काम कर रहे हैं सुबह 10 से लेकर शाम को 6 बजे तक, उनको हम लोग पर डे 2000 रुपये हमारे जेब से दे रहे हैं। और लोगों का मतलब पूरा बाथरूम से लेकर पूरा जो PMC ने नहीं किया, जो आम नहीं किया, वो हम लोग करके दिखा रहे। और हम लोग एक ही टाइम को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा अनाज देना। हमने पिछले 3 महीने से हम लोग हर दिन हफ्ते में 3 से 4 दिन हम लोग का एक ही कार्यक्रम है। कभी भाजी दे रहे, लोगों ने यहाँ पे पैसा दे के बेचा है, लेकिन हम लोग ने फ्री में दिया है। शक्कर हम लोग ने 3500 किलो दिया। और हमारा यही टारगेट होगा, आगे भी यही टारगेट होगा कि अगर हम लोग जीत के आएंगे तो हम लोग का हर महीना इसी तरह होगा, यही कार्यक्रम चलता रहेगा। मेरा एक ही मानना है और मेरा एक ही कहना है कि कन्हैया पटेल जब चंदू फोमन दादा जो हमारे संस्थापक अध्यक्ष है जानता राजा प्रतिष्ठान के, उनके पास जब आए थे, उनके पास ये प्रस्ताव लेके आए थे कि दादा आपके संस्था से खड़ा रहना है और मैं इच्छुक हूँ ये BMC चुनाव के लिए, तो तभी हमारे जो माननीय अध्यक्ष है संस्थापक, उन्होंने एक ही उनसे वादा लिया था उनसे कि कन्हैया जी आप अगर चुन के आओ या ना आओ, पर आपने जो काम किया है और जो करेंगे वो चुनाव के पहले भी और चुनाव के बाद भी वो आपने काम वो बरकरार रखना है। तो उस हिसाब से कन्हैया पटेल साहब ने लोगों को प्रॉमिस किया है और प्रॉमिस के अंतर्गत वो काम कर ही रहे। और चुनाव का रिजल्ट जो भी हो, रिजल्ट से हमको कोई परवाह नहीं है, पर हम लोगों का काम ऐसे ही करते रहे। और आगे भी कन्हैया पटेल साहब है, हम है, हेमंत चिंद्रकर साहब है, संतोष ठाकुर है, सब ऐसे ही काम करते रहेंगे। जननी मानव सेवा ट्रस्ट द्वारा आयोजित अनाज वितरण कार्यक्रम संपन्न। जननी मानव सेवा ट्रस्ट द्वारा मुंबई दहिसर स्थित धारखाड़ी इलाके में विधवा व असहाय महिलाओं को अनाज वितरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर जननी मानव सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष चौथी प्रसाद गुप्ता, दहिसर पुलिस स्टेशन के उप निरीक्षक हरीश पोल्ड, पुलिस उप निरीक्षक नीलेश नलावड़े, शिवानंद शर्मा, रामाश्रय चौहान, मोहम्मद रफी शरीफ, कालिका यादव, उबेद खान सहित कई मान्यवर हस्तियां मौजूद थी। बता दें कि इस कार्यक्रम में हजारों महिलाओं को मुफ्त अनाज वितरण किया गया। जनता से मैं अपील करना चाहूँगा कि उन्होंने जो समस्या अपराध घटता है उसकी तुरंत जानकारी दी अगर जाती है पुलिस को तो उससे भी ज़्यादा हल हो सकती है। इसके माध्यम से मैं ये लोगों को अपील करना चाहूँगा। इस माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो अभी इधर ये प्रोग्राम बनाया लिया है, असहाय महिलाएं जो गरीब महिला है उनको उनके मन में जो असुरक्षित की भावना है वो निकाल के उसमें उसकी जगह सुरक्षितता की भावना बढ़ाना का है। इसलिए उनको मैं ये आह्वान करना चाहता हूँ कि बिना डरे हमको संपर्क करें। कोई भी उनको तकलीफ रहे, बिना हमारा 100 नंबर तो है, 103 नंबर है, उधर डायल करके हमारी मदद लें। हमारे बीट मार्शल वायरलेस मोबाइल घूमते रहते हैं, उनको कॉल करके बुलाएं, हम उनके सेवा के लिए 24 घंटे के लिए अवेलेबल है। हमारा जो मंच है एक सेवा ट्रस्ट है और माहौल है थोड़ा सा महानगर पालिका का, लेकिन उसको छोड़ के हमारी जो संस्था है सिर्फ सेवा में और सेवा के जो कार्य है उसके अंदर रुचि रखती है।
और ये हमारे दहिसर विभाग के सभी महानगर पालिका के बड़े डॉक्टर्स से लेके और पुलिस अधिकारी सभी जानते हैं कि हम यहाँ पे पार्टी को और पॉलिटिक्स को नहीं लाते, ये सेवा है और लोगों की सेवा हम लोग हमेशा करते रहे, वो चाहे किसी भी रूप में हो। वो फिर विधवा महिलाओं को हम लोग जो अनाज बांटते हैं हर महीना, उसके अलावा हम लोग जो मेडिकल कैंप्स करते हैं और बच्चों को शिक्षा के लिए देते हैं, बीमारी में कैंसर के लिए भी हमारे ट्रस्ट कैंसर बीमारियों के लिए जो भी आते हैं उनको फंडिंग करता है। काफ़ी जो भी बड़ी ट्रस्ट आज मुंबई में कर रही है काम, वो हमारा एक छोटा सा ट्रस्ट है और केतकीपाड़ा दहिसर विभाग में आज लोगों के सामने काम कर रहा है। वार्ड 42 भाजपा से इच्छुक उम्मीदवार भारती भेंडे का क्षेत्रीय दौरा। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे ही लगभग सभी पार्टियों से इच्छुक उम्मीदवार अपने अपने इलाकों में जाकर स्थानीय समस्याओं को सुलझाने की कोशिश में लग गए हैं। ऐसे ही मलाड अप्पापाड़ा क्षेत्र में भाजपा से इच्छुक उम्मीदवार भारती भेंडे भी अपने क्षेत्र में जाकर संपर्क अभियान कर रही है। लोगों की समस्याओं को सुनने से लेकर समाधान की कोशिश भी करने का वादा वे कर रही है। अप्पापाड़ा क्षेत्र का कई हिस्सा वन विभाग के अंतर्गत आता है, जहां आज भी स्थानीय जनता अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। भारती भेंडे का लक्ष्य यही है कि स्थानीय जनता को शौचालय, पानी, बिजली आदि मूलभूत सुविधाएं वह जल्द से जल्द उपलब्ध करा पाए। हम इस वक्त मौजूद है मुंबई मलाड अप्पापाड़ा के इस रिहायशी इलाके में जो वन विभाग के अंतर्गत आता है। बात करें सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या यह क्षेत्र वन विभाग के अंदर आता है या नहीं। बात करें पिछले विधानसभा चुनाव की, उस समय महाराष्ट्र सरकार, केंद्र सरकार ने यह घोषणा पारित की थी कि जब तक झोपड़पट्टी का पुनर्वसन न किया जाए तब तक उन्हें उनकी मूलभूत सुविधाओं से कोई भी वंचित नहीं कर सकता। लेकिन बात करें इस क्षेत्र में कांदिवली मलाड, इस क्षेत्र में आज भी लोग अपने मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। चाहे वो किसी भी पक्ष का नेता हो, अपने प्रयास लगाता है लोगों की सुविधाओं के लिए, कई प्रयास कई कोशिश करता है। एक नज़ारा दिखाना चाहूँगा इस मलाड के क्षेत्र में। यहाँ पे कल के दिन यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं को लेकर एक शौचालय का निर्माण स्थानीय भारतीय जनता पार्टी की इच्छुक उम्मीदवार भारती भेंडे द्वारा किया गया था। मैं उस खड्डे को भी दिखाना चाहूँ जिसे कुछ कल के समय में यहाँ पे बनाया गया था। ये कहीं ना कहीं आम नागरिक के हितों के लिए किया जा रहा था, आम नागरिक के सुविधाओं के लिए किया जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो पेच है वही अटकता नजर आता है वन विभाग के अंदर। पहला यही सवाल होता है कि क्या आपके पास इसके बारे में NOC प्राप्त की गई है। हम चलते हैं यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे और भी कुछ नज़ारे दिखाएंगे यहाँ पे। हाल ही में यहाँ पे मनपा द्वारा कुछ शौचालय के लिए रेडीमेड बकेट्स भी बनाए गए, रेडीमेड शौचालय बनाए। ये सुविधाएं अचानक आ गई है, सबसे बड़ी बात है क्योंकि चुनाव शुरू होने वाला है। और बात करते हैं यहाँ पे जो उम्मीदवार हैं या यहाँ के जो नागरिक है, क्या आज भी उनको इन सारी चीज़ों से सुविधाएं मिल पाई हैं। मेरे साथ सबसे पहले चलता हूँ कि एजेंडा क्या होगा, क्योंकि आगामी चुनाव 2017 का महानगर पालिका का चुनाव है, लोग अपने अपने तरीके से लोगों तक पहुँचने की कोशिश करें। भारती जी, क्या तैयारियाँ होगी, क्योंकि सबसे जिस क्षेत्र में आप इच्छुक उम्मीदवार हैं यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है यह प्रॉपर्टी फॉरेस्ट में है या नहीं, क्या होगा टारगेट आपका? नहीं, प्रॉपर्टी तो फॉरेस्ट में है, लेकिन हम फॉरेस्ट के हिसाब से जो उन्होंने बोला है कि फॉरेस्ट के लोगों को ये सुविधा, मूलभूत सुविधा सबको मिलनी चाहिए। हम आज 6 साल से कुछ हमारे वागेश्वरी मंदिर रोड पे है, फिर अपना जामरोशी नगर है, वहाँ पे भी फॉरेस्ट का एरिया बसा है। वहाँ के लोगों की जो समस्या, पानी की समस्या है, इलेक्ट्रिसिटी की समस्या है, शौचालय की जो सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन ये समस्या का समाधान करने के लिए हम जब BMC में जाते हैं तो बोलते कि आप फॉरेस्ट NOC लेके आओ। फॉरेस्ट की NOC जब तक नहीं है तब तक हम कुछ काम नहीं कर सकते। आज हम 3 साल से पत्रव्यवहार करके अभी फॉरेस्ट ने जो NOC दी है उनके मुताबिक BMC के तो ये मोबाइल टॉयलेट की सुविधा की गई थी। कल या परसों ये मोबाइल टॉयलेट यहाँ लाके रखे और उसके बाद कल 6-6 फुट गड्ढा किया गया, लेकिन उसके बाद रात को देखे तो वापस गड्ढा बुझाया गया। उसके लिए ऐसा है कि ये NOC उनको फॉरेस्ट के थ्रू नहीं मिली है, लेकिन ये NOC का सवाल ही नहीं आता कि यहाँ की मूलभूत जो सुविधा होनी है, भाई यहाँ भी इंसान ही रहते हैं। आज वो उनका घर नहीं है, आज उनको पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे जो पंतप्रधान है, उन्होंने जो स्वच्छता योजना, जो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत जो ये टॉयलेट BMC के तो जो मोबाइल टॉयलेट देने की जो सुविधा की है, तो वो सब जगह पहुंचनी चाहिए। आज महिलाओं आज खुले पे शौच करती है बराबर नहीं है। आज हम 21वीं सदी में चल रहे हैं, आज मलाड जैसे, मुंबई जैसे
शहर में ऐसे लोगों की अवस्था है तो बहुत बुरा लग रहा है लोगों के लिए, और इसके लिए बीएमसी थ्रू और फॉरेस्ट वालों ने वही एनओसी देनी चाहिए कि मूलभूत जो सुविधा वो मिलनी चाहिए हर एक को, पानी मिलना चाहिए, लाइट मिलना चाहिए और शौचालय की सुविधा होनी चाहिए, और उसके लिए एक बार हम आप मुझे मौका दीजिए, ये सुविधा का समाधान करने का काम मेरा है, ये मेरा नगर सेवक बनने के बाद भी कर्तव्य रहेगा और उसके पहले भी जितनी मेरी कोशिश रहेगी उतनी मैं कोशिश यहाँ पे शौचालय तैयार खड़ा करने की कोशिश जरूर करूंगी। पानी तो उनको आया है लेकिन और जगह पानी की जो व्यवस्था है पाइपलाइन डालनी है वो भी मैं करूंगी, लेकिन थोड़ा वन विभाग का जो प्रॉब्लम आता है, एनओसी का जो दिक्कत होती है उसके थोड़ा आगे चलने के लिए जरा प्रॉब्लम होता है, लेकिन हम इसके लिए पत्रकार करके हमारे जो मंत्री हैं उनके साथ पत्रकार करके हम इनकी जो सुविधा है उनको सुविधा मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए उसका जरूर कोशिश करूंगी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं मैं आपके पास फिर आ रहा हूँ, मैं कुछ लोगों से भी जानकारी ले लूं क्योंकि स्थानिक है, इन्होंने हर 5 साल में एक नए चेहरे को देखा होगा, हर 5 साल में नए नेता को देखा होगा, क्या अभी भी आपको जो सुविधाओं का वादा किया जाता तो पूरा हो पाया है, क्या बताना चाहिए? कुछ पूरा नहीं हो पाया, कुछ नहीं हो पाया, और यहाँ शौचालय भी खोदा गया उसको वापस लोग भर दिए, शौचालय भी नहीं, डोंगर पर हम लोग उतना खुले मैदान में जाते हैं, औरत की शर्म नहीं है, आदमी लोग उधर खड़ा रहते हैं आगे पीछे और औरत को भी खींच ले जाते हैं, ऐसा झुक झुक के लोग देखता है कि औरत किधर बैठी है, इतना थोड़ी औरत हो गई है बुरी। युवा पीढ़ी भी यहाँ पे क्या मांग होनी चाहिए, क्या तैयारी होनी चाहिए, कोई भी चुनाव का उम्मीदवार हो, कोई भी चुनाव का उम्मीदवार हो, मांग यही है कि यहाँ के गरीब लोगों को, वो गरीब लोग हम भी आते सब सुविधा दी जाए, बस इतनी मांग करता हूँ। अड़चने कहाँ पे आ रही है क्योंकि जनता भी काफी परेशान है, कहाँ रुकना चाहिए सोल्यूशन? अड़चने आ रही है, कुछ भी काम करने जाते कोई भी मतलब कोई भी हर एक पार्टी का काम करने जाता तो वहाँ पे रुकावट आती है, फॉरेस्ट एनओसी लाओ कहाँ से लाएगा एनओसी, अब जो सुविधा दे रहे हो तो उनको तो मतलब होने तो चालू उनको चालू करे, बाद में जो एनओसी करेगा बाद में हम बात करेंगे, काहे के लिए जो खोदे उसको वापस बुझा रहे, हो रहा है उनको होने दो। यानी बिल्कुल कहना कि जो मूलभूत सुविधाओं के बारे में चर्चा सदन में हो रही है, सत्ता में हो रही है, पार्टी के बड़े पदाधिकारी में हो रही है, जनता कहीं ना कहीं पीड़ित है, जनता को ये लगता है कि हर 5 साल में नए चुनाव के लिए नए उम्मीदवार आते हैं, नए वादे किए जाते हैं लेकिन आश्वासन के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिलता। इस बार जनता भी है सतर्क, जनता भी होशियार, क्योंकि उन्हें पता है किसे चुनना है, किस प्रकार करना है, जो अच्छा उम्मीदवार अच्छा काम करके देगा इस बार जनता उसे चुन कर देगी, चाहे वो मलाड कप्पा पड़े हो या मुंबई महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले कोई भी क्षेत्र हो। हम आपको ऐसे कई क्षेत्रों से रूबरू कराते रहेंगे, आप देखते रहे समय नेशनल। घटना महोबा जनपद के कबरई थाना क्षेत्र की है, यहाँ रहने वाला देवराज कुशवाहा दिहाड़ी मजदूर है। बीती रात जब उसकी पत्नी अपनी 16 वर्षीय पुत्री के साथ घर में थी तभी 3 दबंगों ने उसका अपहरण कर लिया। इस मामले में सुबह उस समय अफरातफरी मच गई जब लड़की का शव रामकुंडा पहाड़ के नीचे पड़ा मिला। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों सहित एएसपी राजेश सक्सेना और थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने बताया कि मोहल्ले के ही 3 युवक सुनील राजा, राजा सिंह, पिंटू सिंह से पुरानी रंजिश चली आ रही थी। इन्हीं तीनों ने लड़की का अपहरण किया और दुष्कर्म करने का न केवल प्रयास किया बल्कि उसकी हत्या कर शव पहाड़ की ऊंचाई से फेंक दिया है। परिजनों का अंदेशा है कि उनकी नाबालिग लड़की के साथ हैवानियत का खेल खेला गया है और उसकी हत्या की गई है। सोलापुर में युवा सेना के कार्यकर्ताओं का सुअर आंदोलन। सोलापुर शहर के देगांव और नीलम नगर के मोहल्ले में नागरिकों को सुअरों की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इस तकलीफ से परेशान होकर बार बार आरोग्य अधिकारी को तकरार करने के बावजूद उनकी कोई फिरियाद नहीं सुनी गई। इसी से तंग आकर आज युवा सेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सोलापुर महानगर पालिका के आयुक्त विजय कुमार पाटिल के कक्ष में सुअर को लेकर उनकी टेबल कुर्सी पर छोड़ दिया। कुछ दिनों में महानगर पालिका चुनाव की आचार संहिता लगने वाली है। इसी मौके पर युवा सेना की तरफ से ये अनोखा आंदोलन करने से राजकीय मैदान गर्म होने का अंदेशा जताया जा रहा है।